मैं राजीव कुमार कानपुर से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मेरे को पूछा है मेरे से कि भैया, ये सरसों की खली का वेस्ट डिकम्पोजर में लिक्विड कैसे बनता है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी सरसों की खली लेनी है, कितना वेस्ट डिकम्पोजर लेना है कि पानी लेना है। मैं आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी दूंगा, और इसको कितना इस्तेमाल करना है अपने पौधों में, कितना देना है, किस पौधे में कितना देना है, यह पूरी जानकारी मैं अभी आपको दूँगा। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास देखिए ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, ये देख लीजिए, ये यही वही ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है। लोग इसमें भ्रम करते हैं कि ये केमिकल है क्या है। देखिए, मैं इसमें हाथ, मैंने इसीलिए डब्बा का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ये देखिए मैंने ऐसे हाथ से उठाया और इसके अंदर कुछ नहीं, आप इससे आप हाथ भी धो सकते हैं, किसी तरह से नुकसान नहीं करता। ये देखिए, मैं इसमें देखिए इस तरह से, ये किसी तरह से नुकसान नहीं करता, बिल्कुल पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है और ये बहुत सुंदर है। ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर OWDC जो मैंने कल्चर में प्रयोग कर रहा हूँ, OWDC का जो ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर है, उसी से मैं आज अच्छी अच्छी बागवानी कर पा रहा हूँ। मेरे बगीचे में किसी तरह के बैक्टीरिया इस समय नहीं लग रहे हैं, किसी तरह की फंगस नहीं लग रही है, नीमाटोड जैसी बीमारी भी दूर है। पहले मेरे को इससे परेशानी से काफ़ी जूझना पड़ता था, और जब से मैं वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का, तब से मेरे को किसी तरह से नीमाटोड की बीमारी से छुटकारा मिल गया है। हर तरह की नीमाटोड की बीमारी से छुटकारा मिल गया है। अब देखिए कैसे बनाना है इसकी सरसों की खली। मैं आपको सरसों की खली का एक उदाहरण दे देता हूँ। 250 ग्राम सरसों की खली में आपको 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर मिलाना है, ये इसका रेशियो है। 250 ग्राम में 5 लीटर और 1 किलो में 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर मिलाना है। जैसे कि इसमें देखिए, ये 1 किलो सरसों की खली है, ये 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 2-2.5 किलो सरसों की खली है। मैं भर के ऐसे ही ले आया था, मगर मैं इसमें 1 किलो सरसों की खली डालूँगा। देखिए, ये वेस्ट डिकम्पोजर है और इसमें 1 किलो सरसों की खली डालूँगा। ये देखिए, सरसों की खली के अंदर हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, जिंक, आयरन, हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इससे सुंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बागवानी आप केवल सरसों की खली से कर लें, तो आप केवल सरसों की खली से भी आप अपनी बागवानी कर सकते हैं। ये देखिए, लगभग मैंने 1 किलो तक इसके अंदर सरसों की खली डाल दी, 1 किलो सरसों की खली मैंने बचा ली है। अब इसको करना क्या है, इसको इस तरह से आपको डंडा लेना है, और डंडा लेने के बाद में ये इस तरह से आपको घुमाना है। ये देखिए, ये सरसों की खली, इतना सुंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये ध्यान रखिएगा, आपको वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर ही गलाना है। पानी में अगर गलाएंगे तो आप पौधों में गर्मी के समय पे देंगे तो आपके पौधों में फंगस लग जाएगी। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर में गलाएंगे तो आपके पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेगी और आपका पौधा बहुत ग्रोथ करेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में आपको 0.5 लीटर लेकर, ये जो वेस्ट 20 लीटर 1 किलो सरसों की खली और 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में जो हमने बनाया है इसका लिक्विड ऑर्गेनिक, एक तरह से ये जो हमारा खाद है, जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये इतना पावरफुल है। और जब आप इसको पानी के साथ बनाते हैं तो ये गर्म खाद बनती है, मगर जब आप इसको वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बनाते हैं तो ये ठंडी खाद बनती है। और इसको इस तरह से देखिए घुमाइए, सुबह शाम आप इसको चलाइए, इसको 10 दिन के लिए छाए वाली जगह में छोड़ दीजिए, रख कर छोड़ दीजिए, और सुबह शाम आप इसको डंडे से ऐसे चलाइए। ध्यान रखिएगा, इसको आपको प्लास्टिक के ड्रम में ही या प्लास्टिक के बाल्टी में ही बनाना है, लोहे की बाल्टी में नहीं बनाना है। लोहे की बाल्टी में अगर आपको बनाना है तो फिर आप पानी में बनाइएगा, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में ना बनाइएगा। मगर हम कहेंगे पानी का इस्तेमाल ना करके आप ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का ही इस्तेमाल करें।
देखिए इस तरह से जब आपने रख दिया तो अब इसका रेशियो लेना है, जैसे ये जब 7-10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा तो इससे 1 लीटर निकालना है और 15 लीटर सादा पानी मिलाना है। ये आप ध्यान रखिए, गर्मियों के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ समय बाद बारिश का महीना आ जाएगा, बरसात होने लगेगी, जब खूब बारिश झमाझम बारिश होगी तो बारिश के पानी के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन बारिश के पानी में होता है, तभी आप देखते हैं जब बरसात होती है तो पौधा अपने आप भागता है, अपने आप बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पौधे एकदम खिलखिला के हंसने लगते हैं। मगर जब मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश होती रहेगी तो क्या होगा, पौधे के अंदर से सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन तो है नहीं, हम लोग गमलों के अंदर खेती कर रहे हैं, गमलों के अंदर बागवानी कर रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर जितने पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो हमको जब पानी के साथ बह जाएंगे तो यही सरसों की खली का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसी को हमें पौधों में देना होगा। वो किस तरह से देंगे, अगर बरसात का महीना चालू हो गया, बारिश होने लगी, तो 1 लीटर सरसों, ये जो सरसों की खली मैंने गला के रखी है, इसको 1 लीटर 10 लीटर पानी में मिला के देना है, हर पौधे में आपको आधा आधा लीटर डालना है, तो उससे क्या होगा, जो बहे हुए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बह गए हैं तो उसकी कमी की पूर्ति फिर से हो जाएगी। अब मैंने, और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और फिर भी आपको देना है तो 15 दिन में एक बार आधा लीटर ये सरसों की खली का लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर में गलाया हुआ और 15 लीटर पानी लेके आप डालेंगे तो आपका पौधे में ग्रोथ होगी, फ़ायदा होगा। अब इसके बाद में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि भैया आपने तो, और ये ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, हाँ मैं बता दूं कि ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर किसी के भाई के पास नहीं है, अगर उसको कहीं किसी भी किसान से मिल जाए, मैं तो कहूँगा किसी भी किसान से आपको थोड़ा सा कल्चर ले आइए, 10 ml 15 ml कल्चर आप ले आइए और लेने के बाद में आप अपने घर में लाके उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 10 ग्राम 15 ग्राम 5 ग्राम में भी 5 ml में भी मल्टीप्लाई होता है, ये एक बूंद में लाखों बैक्टीरिया, इसके अंदर लाखों लाखों बैक्टीरिया एक बूंद में होते हैं। आप इसको लाके किसी भी किसी किसान के पास, किसी मित्र के पास OWDC वाला ओरिजिनल वाला कल्चर हो, आप उसके यहाँ से ले आइए और अपने घर में उसको बना लीजिए। और किसी को अगर कोई कानपुर आ जाए, मेरे पास भी अगर कोई दूर रहता है, मेरे वैसे मैंने बहुत किसानों को, बहुत किचन गार्डनिंग करने वाले भाइयों को, बहुत सारे मित्रों को फ्री में मैंने भर भर के अपने पास से इसको दिया है और उन लोगों ने अपने घर में जाकर बनाया है और बनाने के बाद मेरे को वीडियो भी डाले हैं कि भैया देखिए कितना सुंदर बना है और उन लोगों ने अपनी किचन गार्डनिंग में, खेती में इस्तेमाल किया है, बहुत सुंदर रिजल्ट पाया है। मैं ये कहूँगा धरती का ये किचन गार्डनिंग करने वाले भाइयों के लिए, खेती करने वाले भाइयों के लिए वरदान साबित हुआ है। इतना अच्छी, अगर आप बागवानी कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इससे सुंदर कोई चीज़ है नहीं वेस्ट डिकम्पोजर से, इसके बगैर आपकी अधूरी, आप अपनी किचन गार्डनिंग में, खेती में दुगनी लागत लगाते हैं, इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपकी लागत आधी हो जाएगी और परिणाम रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, दाना बड़ा बड़ा होगा, फल बड़े बड़े आएंगे। आप इसका छिड़काव करिए, इसको ज़मीन में डालिए। हाँ, कुछ लोगों ने, अगर किसी को ये नहीं मिलता और नहीं मिल पा रहा तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो मेरे से भी चाहे तो, अगर उसकी इच्छा है तो मेरे से भी मंगा सकता है और मैं उसको कोरियर द्वारा भेज दूँगा। और अगर वो मेरे पास आके ले जाना चाहता है भैया, तो 1 लीटर, क्योंकि कोरियर में भेजने में, ज़्यादा भेजने में पैसे बहुत लग जाते हैं, और अगर मैं कोरियर से, और अगर आप मेरे पास आ जाएंगे तो 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, जितना मर्जी उतना भर के ले जाइए, उसका कोई पैसा मैं नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको भर के दे दूँगा। मगर अगर आप कोरियर से मंगाएंगे, कहीं आप दूर रहते हैं और आप चाहते हैं मेरे घर तक ये पहुँच जाए, तो आपको कोरियर का पैसा देना होगा, कोरियर का भी उसमें पैसा लगता है, उसमें हम जो पैकिंग करते हैं, जो पैकिंग वाला एक लड़का आता है वो पैकिंग करता है उसकी, वो पैकिंग में भी उसका पैसा लगता है, तो पैकिंग करके अच्छी से पैकिंग करके भेजनी होती है, इस तरह की पैकिंग करनी होती है कि कहीं भी कोरियर वाले, अगर उसकी पैकिंग लीक हो गई तो जो कोरियर वाला उसके साथ में सामान ले जा रहा है उसका सामान भी ख़राब हो जाएगा, तो पैकिंग बहुत अच्छी पैकिंग करनी पड़ती है कि जिससे रास्ते में कभी लीक ना हो, आपके घर तक सुरक्षित पहुंचे। तो इस तरह से कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया कि आपने तो फ्री बोला हुआ है और आप उसका कोरियर चार्ज बताते हैं, पैकिंग चार्ज बताते हैं, तो भैया ये बताइए, मैंने ये कहा कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं बिल्कुल फ्री में मेरे से ले जाइए, फिर इसके बाद अगर मैं पैसा मांगूं तो आप कहिएगा, मैं तो सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मैं ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर हर किसान तक पहुँचाना चाहता हूँ, हर किचन गार्डनिंग वाले भाई तक पहुँचाना चाहता हूँ, मगर पहुँचेगा अगर आप मेरे पास आ जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए, और उसका भी पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं, तो केवल पैकिंग का और जो कोरियर का। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि आप तो फ्री कहते हैं और फिर उसमें चार्ज बता देते हैं, पैकिंग चार्ज। अच्छा, तो भैया आप खुद बताइए, अच्छा कि
कुरियर वाला पैसे नहीं लेगा क्या कि पैकिंग करने के लिए जो सामान लगेगा उसमें पैसे नहीं लगेंगे? फिर इस तरह से कमेंट्स करने की क्या ज़रूरत है भैया? आपको अगर चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। और कुछ लोगों ने कहा कि आप क्लियर कर दीजिए इसमें, तो मैंने आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करके बता दिया। और मेरा मोबाइल नंबर आपको इसी वीडियो में दिखेगा, 87 65 13 13 10। किसी को भी अगर ओरिजिनल वेज डिकम्पोजर का कल्चर मंगाना है तो 87 65 13 13 10 पर आप जो है ना व्हाट्सअप करके लिख दीजिए। व्हाट्सअप मैसेज लिख के भेज दीजिए, मैं आपको बराबर उत्तर दूंगा। आपको बागवानी के विषय में कुछ पूछना है तो व्हाट्सअप पे लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उसके विषय में बता दूंगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, मैं अभी तो काफ़ी कुछ इसके विषय में बताने वाला था कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर नहीं है, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं दूसरे किसी वीडियो में बताऊँगा कि इसके विषय में और अधिक, मैं पूरे दिन इसके विषय में, ओरिजिनल वेज डिकम्पोजर के विषय में पूरे दिन बोल सकता हूँ, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।